Assalamu alaikum students, a virtual knowledge by SYED. EJAZ, NAQVI. You are watching Psychology 512 Gender Issues in Psychology. जो पहले हमने पढ़ा उसका recap देखते हैं. Historical background of interest in gender issues हमने देखा, हमने feminist movement को भी देखा और women's suffrage movement को भी देखा. उसके बाद आते हैं जी मेन पॉइंट्स, मेन व्यू पॉइंट्स इन साइकोलॉजी रिकॉर्डिंग जेंडर डिफरेंस, जेंडर वेरिएशन इज, यानी है कि बायोलॉजिकल है इसको हम बिल्कुल चेंज कर सकते हैं जो फिक्स है, और बायोलॉजिकल डिफरेंसेस को हम जो है ना सोसाइटी में जेंडर रोल्स के मुताबिक जो है हमें गुजारना होता है. बायोलॉजिकल अप्रोच के जो रूट्स हैं वो फिक्स हैं, उसमें जो है ना ये एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी इन्वॉल्व हो जाती है. इसके अलावा साइकोलॉजी के अलावा सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एथनोलॉजी एंड ऑफ कोर्स बायोलॉजी के इन्वॉल्वमेंट आती है. दी मेन इशू क्या है, जो हु मेड अस व्हाट एवर वे, हमें किसने बनाया, और एक क्या हम जो है ना सोसाइटी में जिस तरह हम पैदा हुए थे उसी तरह मौजूद हैं. नेचर वर्सेस नर्चर, नेचर कहते हैं कुदरत को और नर्चर कहते हैं परवरिश को, कि जिस तरह हम पैदा हुए थे जो ऐसे हमारी परवरिश हुई. इसके अलावा यह है कि मिनिमलिस्ट एंड मैक्सिमलिस्ट व्यूज इन साइकोलॉजी. 1988 एब्सटेन डिस्क्राइब द टू अपोजिंग व्यू ऑफ द पॉइंट, मिनिमलिस्ट एंड मैक्सिमलिस्ट. मैक्सिमलिस्ट बिलीव इन ह्यूज फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वीमेन, कहते हैं कि बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, और मिनिमलिस्ट कहते हैं कि फ़र्क जो है ना कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, फंडामेंटल मेंटली को ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ एक जेंडर का फ़र्क है. स्ट्रक्चरलिज्म क्या कहते हैं, जिस प्राइमरी इंटरेस्टेड इन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन माइंड, वो ह्यूमन माइंड को ज़्यादा देखते हैं. अडल्ट मेंटल प्रोसेस को है कि ज़्यादा स्टडी करते हैं. स्ट्रक्चरलिस्ट इंटरेस्ट है कि इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ जनरलाइज अडल्ट माइंड को वो ज़्यादा देखते हैं. शील्ड ने 1975 में किस पे काम किया है. दे वर नॉट कंसर्न्ड विद द इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इंक्लूडिंग डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वीमेन, intended to ignore them. Structuralism के अभी एक स्टूडेंट सब्जेक्ट जो स्ट्रक्चरलिस्ट एक्सपेरिमेंट पर प्राइमरी मेल था, ओके जी, जो इसके एक्सपेरिमेंट थे वो मेल पे थे. फीमेल में ये इसमें यूएस में बहुत कम लोगों को इस पर एक्सपेरिमेंट में शामिल किया गया, और रिसर्चर्स ने 2004 में इसकी फाइंडिंग दी है. और फंक्शनलिज्म में साइकोलॉजी एंड द साइकोलॉजिस्ट टूका मोर प्रैग्मेटिक एंड प्रैक्टिकल टर्न इन द यूएस इन द फॉर्म ऑफ फंक्शनलिज्म. और फंक्शनलिज्म फोकस्ड स्ट्रक्चर पे करते हैं, और फंक्शनलिस्ट क्या कहते हैं, वो रिसर्च करते हैं वाइडर वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट इंक्लूडिंग वीमेन चिल्ड्रन एंड एनिमल्स. उसके बाद आ जाते हैं इम्पैक्ट ऑफ स्टडीज ऑन इंटेलिजेंस एंड अडेप्टबिलिटी. द इंटेलिजेंस एंड अडेप्टबिलिटी वर टू मेजर एरियाज ऑफ फंक्शनलिस्ट, और एज अ कंसिक्वेंस दे डेवलप्ड इनटू इंटेलिजेंस टेस्ट. वो इंटेलिजेंस टेस्ट मेंटल एबिलिटी और डार्विन इन्फ्लुएंस इंपैक्ट और फंक्शनलिस्ट पे उन चीज़ों में आ गए, और उन्होंने इंक्लूडिंग सेक्स इसी में इनसे पर्सनल ट्रेट्स में ही सेक्स को इंक्लूड करके उन्होंने बात की. उन्होंने सेक्स को मोस्टली है कि इग्नोर किया. वन ऑफ द पॉपुलर एरिया ऑफ द स्टडी वाज द बायोलॉजिकल डिटर्मिनेशन, डिटर्मिंड डिफरेंसेस विच इंक्लूडेड बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ सेक्स डिफरेंसेस. That was perhaps the formal beginning of the empirical investigation of sex differences, although mostly quite based. वो कह रहे हैं सेक्स डिफरेंसेस वगैरह तो पे तो बात किया उन्होंने, जेंडर रोल पे इस पर कोई ख़ास बात नहीं की, कोई ख़ास काम नहीं किया. सम ऑफ द टिपिकल फाइंडिंग्स ऑफ सेक्स स्टडीज में क्या होता है, ये ख्वातीन जो है कि वो मर्दों की नस्बत कम इंटेलिजेंट होती हैं. ख़वातीन जो है वो मर्दों की नस्बत जो है कम बेनिफिट एजुकेशन का उसके उनको कम मिलती है.
उसके बाद ये है कि जो वीमेन एज कम्पेयर टू मैन हैड अ स्ट्रांग मटर्नल इंस्टिंक्ट, इनको एक ज़्यादा इंस्टिंक्ट मटर्नल इंस्टिंक्ट मिलता है। अच्छा केसेस में जो है वो फीमेल्स एक ज़्यादा जीतती हैं। इस तरह की जो है ना जो फाइंडिंग्स हैं, उसके बाद है जो फंक्शनल इंटरेस्टेड इन नेचर रादर दैन नेचर, वो नेचर को जो है कि ज़्यादा उन्होंने देखा। उन्होंने कहा कि जी ये सेक्स रोल क्या है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन है। उसके बाद उन्होंने जेंडर बेस्ड व्यूज ऑफ और फाइंडिंग ऑफ द फंक्शन फेस्ड स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज, तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। और फीमेल साइकोलॉजिस्ट लाइक हिलन थॉम्पसन गुली एंड लिटा स्टेटर होलिंगवर्थ क्रिटिसाइज आर गुड एंड टू का स्टैंड, वो उन्होंने फंक्शन डिस्ट के खिलाफ स्टैंड लिया, यानी खवातीन जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने। उसके बाद है जो होलिंगवर्थ बिलीव दैट फीमेल पोटेंशियल कैन नेवर बी, बेसिकली उन्होंने ये कहा कि जी इनको है कि आप डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर सकते जब तक कि आप इक्वल चांस ना दें इनको, मर्दों के बराबर इक्वली चांस ना दें। उसके बाद बिहेवियरिज्म की बात आती है। ये बिहेवियरिज्म ब्रॉड फोर्थ और न्यू पर्सपेक्टिव, उन्होंने कहा जी न्यू पर्सपेक्टिव शब्द किया, इन्होंने इमर्ज क्या किया जी, उन्होंने कहा जी इनर एक्सपीरियंस और इंट्रोस्पेक्टिव अप्रोच, इस तरह उन्होंने ये चीज़ें उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी फॉर देम वाज, वो एक वो के ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को वो देख रहे थे और इसको एक इनर एक्सपीरियंस को नहीं देख रहे थे। उसके बाद बिहेवियरिज्म में जो चीज़ें आई वो ये था कि जो लोगों के अप्रोच है वो सेक्स की तरफ है, सेक्स डिफरेंसेस की तरफ है, और उसमें जो बिहेवियर्स पेश आते हैं उसको देखा है जी। देयर प्राइमरी इंटरेस्ट वाज इन लर्निंग एंड मेमोरी, और लर्निंग और मेमोरी पर ही उन्होंने उनका फोकस रहा है। बिहेवियरिज्म में उन्होंने सेक्स डिफरेंसेस एंड सेक्स रोल्स अलोंग विद अदर सोशल फैक्टर्स वर इग्नोर्ड, उन्होंने इसको इग्नोर किया। वो और एक दिस अर्ली साइकोलॉजिस्ट वुमेनलेस, उसमें है कि जो शुरू के जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनमें ख़वातीन नहीं हैं, उसमें ये क्रॉफोर्ड और एक मेयर सेक ने 1989 में फाइंडिंग दी है। देयर रिसर्च नेगेटिवली अफेक्टेड द अटेंशन रिक्वायर्ड बाय द सेक्स जेंडर डिफरेंसेस इशू इन प्रोग्रेस, और वहाँ पे आके फाइंडिंग ये आ रही है कि ख़वातीन को टोटली इग्नोर किया गया बिहेवियरिज्म में, उनके जेंडर को इग्नोर किया गया। साइकोएनालिटिकल साइकोलॉजी, साइको ये है कि फ्रूडियन फ्रूड की तरफ बात आ रही है, उसमें भी यह बता रहे हैं कि सिगमंड फ्रूड ने जो है साइकोएनालिटिकल साइकोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई, और उसने जो है कि जेंडर रोल को बिल्कुल भी उसने इग्नोर किया। फ्रूड टॉक्ड अबाउट द डिवेलपमेंट स्टेजेस, उन्होंने डिवेलपमेंट स्टेजेस को बताया। साइकोसेक्सुअल डिवेलपमेंट उन्होंने बताई, उन्होंने कि बेसिक एनर्जी बताई, लेकिन मेल फीमेल रोल और जो है पाया था जो डिफरेंसेज है, जो परसेप्शन है उस पर कोई ज़्यादा बात नहीं की। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जी चाइल्ड परसेप्शन ऑफ बॉडीली डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल लीड्स टू अ रियलाइजेशन ऑफ वट दे लाइक, यानी वो किस चीज़ की कमी महसूस कर रहे हैं, उनमें क्या चीज़ नहीं है, इस चीज़ पे थोड़ी बहुत ही बात है। मगर है कि वो क्रूशल कॉन्फ्लिक्ट है अट्रैक्शन एट वर्ड अपोजिट सेक्स पे, इस पर उन्होंने बात की है। फ्रूट ने अपोजिट सेक्स के अट्रैक्शन है, इसमें पेरेंट एज भी उन्होंने बात की कि बेटी बाप के साथ है कि ज़्यादा करीब होती है और बेटा माँ के ज़्यादा करीब होता है, लेकिन है कि जैसे है कि एक एज से वो बढ़ते हैं तो फिर है ये चेंज हो जाता है, फिर है कि बेटी माँ के ज़्यादा करीब हो जाती है और बेटा बाप से ज़्यादा करीब हो जाता है, एडोलेसेंस की बात कर रहे हैं। उसके बाद फ्रूड के हाइपोथेसिस की बात हो रही है कि उसको क्रिटिसाइज किया गया है, और इसको है कि उन्होंने कहा कि फ्रूड के क्रिटिसाइज फॉर फॉर दिस दिस थिंकिंग एम्प्लाइड, तो इन सोचों के ऊपर जो है क्रिटिसिज्म हुआ। एक्सेप्टेंस ऑफ फेमिनिन रोल मेंट अडॉप्टिंग लो रैंकिंग,
अपॉर्चुनिटीज एंड एन इंफीरियर स्टेटस। तो एक लो रैंक पे उन्हें खुवातीन को देखा गया, उसमें एक औरत और एक वुमेन को कुड नॉट रिकनसाइल विद दिस सिचुएशन, है कि उसने उनकी एबिलिटी पे बात की, उनके हार्ट उनके उनके थिंकिंग के पे बात की गई कि वो नहीं वो उनके कैपेबिलिटी पे, उनके स्ट्रेंथिंग पे, बॉडी स्ट्रेंथिंग पे, उनकी मेंटल स्ट्रेंथिंग पे, फीमेल के सबसर्वियंस कहा गया और मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की तरफ बात की गई है। फ्रूडियन थ्योरी गेंड अनमैच्ड पॉपुलैरिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली इन द वेस्ट बेर लाइक इसको है, उन्होंने सिर्फ एक वेस्ट के वाले से लिखा, मगर मैं समझता हूँ ऑल ऑफ द वर्ल्ड जो है फ्रूड के जो जो सिगमंड फ्रूड की जो थ्योरी है इसका अभी तक कोई अल्टरनेटिव नहीं आया है। इस पे के प्यागेट का काम है कुछ थोड़ा वो है, उसके अलावा किसी का काम नहीं है। सिगमंड फ्रूड का जो काम है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू फ्रूड डेवलपमेंट ऑफ मस्कुलिनिटी द साइको एनालिटिकल थ्योरी हैड वेरियस स्ट्रिंजेंट एंड इनफ्लेक्सिबल स्टैंडर्ड्स। सिमिलरली बॉयज हु कुड नॉट ब्रेक फुली फ्रॉम मदर एंड डिड नॉट कम्प्लीटली आइडेंटिफाई विद फादर लाइक नॉर्मली डिवेलप मस्कुलिनिटी एंड हैड, अच्छा कहते हैं कि जो है कि अपनी वालदा से है कि ज़्यादा अगर है कि दूर नहीं हुए तो फिर एक उनकी मस्कुलिनिटी जो है वो फेमिनिटी के वो फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें आ जाते हैं। उसके बाद है कि साइको एनालिटिक और फेमिनिज्म की बात करेंगे तो उसमें है कि उसके रूट्स जो है वो वर्किंग फ्रूट से फ्रूट के काम का है, ने काम किया है उस पर। जेंडर इज नॉट अ बायोलॉजिकल डिटरमिंड फिनोमेना और साइकोसेक्सुअल डिवेलपमेंट इज टू द जेंडर रोल दैट वाज दैट वी अडॉप्ट एंड प्ले। Evolution of the psychology of women, gender issues and psychology of gender, इसको भी आपने के देखना है। 1941 में नेशनल काउंसिल फॉर वीमन साइकोलॉजी बनी और 1944 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ वीमन साइकोलॉजिस्ट इवॉल्व्ड हुई। उसके बाद है कि 1973 में APA में इसका डिवीजन नंबर 35 बना, जो है कि फीमेल के हवाले वीमन के हवाले से डिवीजन बना। 1973 में सोसाइटी फॉर द साइकोलॉजी ऑफ वीमन बिकेम द डिवीजन 35 ऑफ APA, जो हम पहले बात कर रही है। 1969-1970 का जो नेशनल कन्वेंशन हुआ था APA का, उसमें बहुत ही वार्श ने 1985 में इसके फाइंडिंग्स दी। मैन मूवमेंट है जिसके बाद 70s में मैन मूवमेंट है और 80s में भी इसके रिजल्ट आना शुरू हुए। और उसके बाद है कि नुमास नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैन अगेंस्ट सेक्सिज्म वाज एस्टेब्लिश्ड और इसको इस पे काम हुआ मैन के हवाले से। 1995 में सोसाइटी फॉर द साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ मैन एंड मस्कुलिनिटी बिकेम डिवीजन 51 ऑफ APA। APA का डिवीजन 1995 में बना मर्दों के वाले से। अच्छा, डिवीजन 51 के गोल क्या थे? ये प्रमोटिंग द स्टडी ऑफ हाउ जेंडर रोल्स शेप एंड कंस्ट्रक्ट मेंस लाइफ और हेल्पिंग मैन टू एक्सपीरियंस देयर फुल ह्यूमन पोटेंशियल और एनकोडिंग द डेफिनेशन ऑफ मस्कुलिनिटी। सम स्टैटिस्टिक्स अबाउट मैन, उसमें क्या चीज़ आती है जी, एज कंपेयर टू वीमेन, अगर उनसे कंपेयर किया जाए तो है कि मर्दों पर जो है ना फिजिकल असाल्ट ज़्यादा होती है, मर्दों का कत्ल ज़्यादा होता है और मर्दों के मर्द जो है ना ये खुवातीन की नस्बत तो सुसाइड भी ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा ये मर्दों के लिए प्रॉब्लम क्या होते हैं, ये सोशल प्रिविलेज होती है, माइस रियलिटी होती है। उसके बाद है कि वो वायलेंस सफ़र ज़्यादा करते हैं, स्पेशली साइकोलॉजिकल मेंटल टॉर्चर उनको ज़्यादा होता है। देयर आर मोर मेल देन फीमेल चिल्ड्रन एंड चाइल्ड लेबर में भी देखें तो एक बॉयज़ ज़्यादा हैं और गर्ल्स कम है। इसके अलावा जो उसके जो मैन हैं
मोस्टली मेन जो है वो अपनी फैमिली को विदाउट एनी सपोर्ट के जो है ना वो अपनी फैमिली को हेल्प कर रहे होते हैं। मोर मैन है देन वीमेन। अच्छा, जो ख्वातीन से ज़्यादा मर्दों को हार्ट अटैक होता है। इसके अलावा जो मैन है वो सफ़र करते हैं ज़्यादा ऑक्यूपेशन स्ट्रेस को है कि ख्वातीन के नस्बत मर्द ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं। मर्दों को स्मोकिंग क्यों करनी पड़ती है, उनको ड्रिंकिंग क्यों करनी पड़ती है। इसके अलावा है कि बच्चे उनको केसेस में है कि बच्चे मर्दों के हवाले नहीं किए जाते, तो उस वक्त है कि उनके मर्दों की क्या कैफियत होती है। ये सारी चीज़ें इस सिलेबस में हमने स्टडी की। सैयद एजाज़ में कुछ इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम एंड अल्लाह हाफ़िज़।